अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाब मिनस, और आज जो क्लास मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस क्लास से सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें। आपकी इसी वीडियो के राइट पे जो है राइट बॉटम पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप बिगनर्स हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे जो ये जो ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है ये ओपन करके आप सब जो है ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैंने डिटेल्स में सब जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हमारी जो है 19वीं क्लास है जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ग्रेडियंट टूल के बारे में। ग्रेडियंट टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल, काफ़ी रोल प्ले करता है आपके टेक्स्ट ग्रेडियंट पे या आम ग्रेडियंट पे। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये सब चीज़ें अलग अलग करके रखती हैं, कलर भी अलग करके रखती है, स्वेचेस भी अलग करके रखती है और ग्रेडियंट को भी अलग करके रखती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप विंडोज़ पर जाएँगे तो ये आपके पास सब ग्रेडियंट वगैरह सब की ऑप्शन आ रही होगी। आप चुप करके बस उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये इजीली आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो चलें चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कलर्स क्या होते हैं। कलर्स हम लोगों के जो है ना डिफरेंट कलर्स हमारे पास स्वेचेस में पड़े होते हैं। उसके अलावा आप कई बार लोग सोचते हैं कि यार अगर इनके अलावा कोई कलर हम लोगों ने चूज़ करना है तो उनको कैसे चूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास इधर ऑप्शन आ रही होती है तो हम लोग कुछ भी उसका लाइट टोन डार्क टोन ईजिली चूज़ करके किसी चीज़ को कलर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, तो इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है रेड कलर हो जाए, तो जस्ट क्लिक करूँगा तो रेड कलर हो जाएगा। और अगर मैं लाइट पे जाऊँगा तो लाइट कलर भी हो जाएगा। तो कलर्स की तो ये थी फॉर्म। तो बाकी नेक्स्ट, तो अब ग्रेडियंट का क्या फ़ायदा होता है। ग्रेडियंट हम लोग, मैं आपको समझाता चलूँ, सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं ग्रेडियंट। कलर तो सिर्फ एक कलर का होता है कि आपने कोई भी ओवल लगा लिया, एलिप्स लगा लिया या आपने एक रेक्टेंगल लगा लिया तो एक सिंगल कलर आप जो होता है। ग्रेडियंट ऐसी चीज़ होती है, या तो वो वाइट का कम्बिनेशन होगा, किसी भी कलर के साथ वाइट का कम्बिनेशन होगा, या उसी के लाइट कलर के साथ कम्बिनेशन होगा, तो वो ग्रेडियंट चीज़ को कहलाती है। तो ग्रेडियंट का अगर कहा जाए तो ग्रेडियंट के ऑप्शन हम लोगों के पास ये आ रही है, और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आप सीधा जाएंगे और जो है आप ग्रेडियंट पे जाके इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो है ना सिंपली आपको समझाता चलूँ एक्सप्लेनेशन से पहले कि आपने जैसे किसी भी ओवल पे अगर ये रेक्टेंगल पे आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो आपके पास ये ऑप्शन थोड़ी बहुत आ रही होंगी। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही तो आपके पास सारी ऑप्शंस दो तीन ऑप्शन आ रही होगी। अगर आप और भी ग्रेडियंट की ऑप्शन चाह रहे हैं, आप नहीं जा रहे कि खुद बनाएं ग्रेडियंट को, तो आप जस्ट जो है ना स्वेचेस की लाइब्रेरीज में जाएंगे और जो है लाइब्रेरी स्वेचेस में जाके इधर ग्रेडियंट की ऑप्शन आ रही होगी कि यार आपने ग्रेडियंट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट्स की ये देखें, ये ऑप्शन आ रही है, ब्राइट कलर्स की ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, ये सब ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, इनको भी अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं और अपनी मर्जी से ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं आपको बड़ा करके दिखा सकूँ तो ये देखें ब्राइट कलर के ग्रेडियंट्स आ गए, ये सब ग्रेडियंट्स आ गए। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना और जैसे ये चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है तो आपके पास ये सब ग्रेडियंट्स आ जाएंगे जो बने बनाए एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से आते हैं, वो ये सब ग्रेडियंट्स हैं। तो ये इस ग्रेडियंट में आप देख रहे होंगे वाइट कलर का इसमें कम्बिनेशन डाला हुआ है और जो है डार्क कलर के साथ इसको मर्ज किया हुआ है। तो इसके कोई भी ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊँगा कि आपने कैसे किसी चीज़ को लेकर चलना है। फर्स्ट करें कि आपके पास ये सिंपल वाला ग्रेडियंट है, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया, आपने इस चीज़ पे ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑप्शन आ रही होंगे आपके पास, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और जस्ट इसको कलर दे देना है।
वर्चुअल बॉल जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपने कौन सा कलर देना है, कौन सा सब कुछ देना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप इस तरह करना चाहें तो डबल क्लिक का आपने किया जस्ट और ये ब्लू कलर दे दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, तो जस्ट आप इसको पकड़ेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे इस वाले पे, इस वाले को ड्रॉप करेंगे तो ये आपका कलर हो जाएगा। मैं तो यही समझता हूँ कि यार ये आसान काम है कि आप कोई भी कलर पकड़ के इसको इस पर रखेंगे तो वो सेम टू सेम। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन आपने कोई भी कलर कर दिया। कोई भी कलर अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि अब करें, मैं एक लिस्ट दोबारा से ले लेता हूँ। इसको मैं जो है ग्रेडियंट कलर करना चाह रहा हूँ और एज ए लीनियर करना चाह रहा हूँ। लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल साइड पे कलर होता है और एक दूसरी साइड पे कलर होता है। ग्रेडियंट आपके हमेशा एक से ज़्यादा कलर के होंगे, दो या दो से ज़्यादा के। अगर आप दो से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा आपने इसको आल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लेनी है, आल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लेनी है, आल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लेनी है। जैसे इन पर सिलेक्ट करना है तो आप आराम से अपनी मर्जी से कोई भी कलर का ग्रेडियंट बना लेते हैं। तो ये देखेंगे एक ग्रेडियंट मैंने बना लिया है। ज़्यादा कलर का एक बार मुझे तो ग्रेडियंट नहीं बनता और ज़्यादातर मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप जो है इस तरह का ज़्यादा कलर का ग्रेडियंट बनाएं। कंट्रोल जी मैं करूँगा तो ये सिंपल हमारे पास ग्रेडियंट जो जिस तरह पहले बना हुआ था वो दोबारा चीज़ वापस आ गई। इसको पकड़ के मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। ओके, फिर दोबारा इस चीज़ आ जाते हैं। जैसे आपने आल्ट प्रेस करना है और कॉपी ले लेना है। अगर आपने डिलीट करना है तो सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। दो से कम नहीं हो सकते, सर से वो डिलीट पे नहीं आ रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट डिलीट करेंगे और डिलीट हो जाएगा। तो फर्स्ट करें कि आपने एक डार्क कलर का लाइट कलर के साथ ग्रेडियंट बनाना है तो ये आपके पास रेड कलर डार्क है तो आप चाह रहे हैं कि यार इसके साथ मैं लाइट कलर का ग्रेडियंट बनाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर सेलेक्ट कर लूँगा और अपने यही वाला रेड कलर पकड़ के इसको इधर ले आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन कर लिए, देन आप पकड़ के इस तरफ ले आएंगे। जब आप इस तरफ ले आए तो आपके पास ये ऊपर ऑप्शन आ रही होगी कलर्स की। कलर्स भी अगर आपके पास ये चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आप विंडोज़ में जाकर कलर सेलेक्ट करके आराम से ये ऑप्शन ला सकते हैं। तो इधर से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैंने ये सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया तो और इसको मैंने कलर दे दिया सेम टू सेम ये वाला। तो अब मैं इसका लाइट कलर चाह रहा हूँ कि मेरे पास आए तो ये देखेंगे हमारे पास लाइट कलर इसने इस तरफ दे दिया। तो ये देखें इसने इस तरफ लाइट कलर दे दिया और इस तरफ हमारा डार्क कलर है। तो अगर आप चाहें तो ह्यूज सैचुरेशन और ब्राइटनेस तो आप समझते हैं कि वाइट इस तरफ वाइट कलर वाइट की तरफ जाएंगे तो वाइट की तरफ जाएगा, अगर आप वाइट ऐड होता जाएगा और अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ब्लैक ऐड होता जाएगा उसमें। तो सेचुरेशन में जो है मैं आपको कहूँगा कि अगर आप सेचुरेशन में अगर इस तरफ करेंगे तो ये भी डार्क होगा, इस तरफ करेंगे तो लाइट कलर की तरफ होता जाएगा। ह्यू का मतलब है कि जाना डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन को ह्यू आप कहेंगे। तो इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन आ रही होती हैं, अगर आप उस चीज़ को ट्राई करना चाहें वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बस करें मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ही ओपन हो जाएंगी। अदरवाइज विदाउट सिलेक्शन के ये ऑप्शन आपके पास, अगर आप जस्ट इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन ये ओपन हो जाती है। तो आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। बस करें मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेम टू सेम कलर कर देता हूँ जो हमारे पास दूसरे वाले का है रेड का है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका मैं रेड ग्रीन ब्लू के हिसाब से मैं कोई भी कलर इसके साथ शेडिंग में करके मैं इसको वो दे दूँ। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त सा आपके जैसे इफेक्ट आ गया, लीनियर इफेक्ट आ गया है। तो ये कितना आसानी से आप जो है ना कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और भी कलर करना चाहते हैं तो और जैसा प्रेस करके इसका थोड़ा सा आप
डार्क कलर जो है आप इसमें दे सकते हैं, वो जस्ट आपने इसको मूवमेंट करनी है लाइट कलर के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगी ऑप्शन। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि यार किस तरह शेड्स आपने देनी है, किस तरह सब कुछ करना है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ये ग्रेडियंट बना लिया है तो आप सोच रहे होंगे यार ग्रेडियंट के ऑप्शन तो इधर भी आ रही है कि यार इस ग्रेडियंट के ऑप्शन क्या फ़ायदा है और इधर की ग्रेडियंट के ऑप्शन का क्या फ़ायदा है। इधर की ग्रेडियंट क्या है, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। फर्ज करें कि मैं इसको डिफरेंट एंगल पे ग्रेडियंट करना चाह रहा हूँ, 135 पे, मीन्स के 45 पे, -60 पे, -120 पे, मीन्स के जिस एंगल पे मैं इसको रोटेट करना चाहूँ ग्रेडियंट को वो कर सकता हूँ। तो अगर आप इस ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, इस पे जब सेलेक्ट करना होता है और इस ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको ऑप्शन दे देगा कि आप किस तरह करके ग्रेडियंट चाह रहे हैं। मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना हमेशा लेफ्ट साइड पे अपना लाइट कलर रखेंगे और राइट साइड पे डार्क कलर रखेंगे। फर्स्ट करें मैं चाह रहा हूँ कि इधर से लाइट कलर शुरू हो और इधर आके डार्क कलर ख़त्म हो, तो मैं जस्ट इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा और ये ऑप्शन आ जाएगी। ये एक साइंस टूल नहीं है कि आपने जाना जस्ट इतना ही कर सकते हो, आप इसके बाहर भी जा सकते हो। लेफ्ट क्लिक करोगे आप इसके बाहर भी जा सकते हो, इसको थोड़ा सा बाहर ले जाओ तो मीन्स के रेडिश वाला थोड़ा उस तरफ जाता जा रहा है। तो इधर भी आपके पास एक एरो बटन आ रहा होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये आपके पास एरो बटन आ रहा होता है। आप इसको सेलेक्ट करके इस तरफ करोगे तो ये साथ साथ इस तरह मूवमेंट होती जाएगी इसकी। अगर मैं इधर से भी इसको करना चाहूँ तो इधर से भी कर सकता हूँ। जिस तरह इधर हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है तो 7 to 7 पीछे करके भी हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है डिफरेंट चीज़ों की कि आपने किस तरह करना है। कंट्रोल जी मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल जी चेक कर दिया मैंने। फिर अगर मैं चाह रहा हूँ इधर से मैं इसको करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर से इसको इस तरह दे सकता हूँ। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि आपने लीनियर को कैसे अप्लाई करना है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने रेडियल की तरफ। रेडियल का क्या इफेक्ट आता है, रेडियल हमारे पास राउंड सर्कल्स के लिए होता है। मीन्स कि अगर आप सेंटर में उसको फोकस पॉइंट देना चाह रहे हो तो आप रेडियल यूज़ करो और उसको जिस तरह का एंगल देना चाहते हो आप दे सकते हो किसी भी चीज़ को। तो रेडियल में भी अगर हम इस ग्रेडियंट पे जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं ये सर्कल जो है, ये वाला सर्कल, ये इधर से शुरू हो और इधर आगे ख़त्म हो, तो उसके लिए भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यार इस जगह से शुरू हो सर्कल और इस जगह पे आगे ख़त्म हो, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप सर्कल का, सर्कल की ये जो सर्कल आ रहा है साइड पे, इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, जस्ट आपने इसको इस पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर लेना, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर ही जा रहा हूँ मैं। तो ये देखें ये शेप आपके पास आ गई। तो ये थे डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आप जो है ना आराम से कोई भी किसी भी चीज़ को रेडियंट बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी हुई है जो कि मैंने टाइमलाइन पे भी अपने पोस्ट की हुई है कि मैंने एक कप का जो है ना डिफरेंट सिंपल सा एक चीज़ बनाई है कि कप के थ्रू मैंने ग्रेडियंट को शो किया है। वो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपने कप के, कप कैसे, कप और जो है ना इसकी प्लेट वगैरह कैसे ग्रेडियंट के थ्रू बनानी है। क्योंकि एज ए डिज़ाइनर मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों को चाय की प्याली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल लगा लेना है और इसको आपने वाइट कलर दे देना है और सेम टू सेम ग्रेडियंट पे जाना है और फर्स्ट वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। इस तरफ हमने वाइट कलर कर देना है इसको, इस तरफ हमने इसको लाइट लिटिल बिट ग्रे कलर कर देना है और इसको इधर से पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर देना है। ये बन गया हमारे पास, ट्रे बन गई है। इसको इफेक्ट देने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्ट आपने कैसे देना है। तो आपने सेम टू सेम यही टेक्निक अप्लाई करनी है। आपने एक और या इसी को आप कॉपी करना चाहें तो आप इसको कॉपी कर लें
अब ये हमारे पास स्मॉल आगे ऑप्शन, कप के ऑप्शन आगे, जस्ट इसको इस तरह कर लिया, शिफ्ट प्रेस किया और ऑल प्रेस किया मैंने इसको, इक्वल दिस इक्वल मोमेंट के लिए, फिर इसकी हर तरफ से इक्वली मोमेंट हो, जिस तरह मैं आपको बाकी ट्यूटोरियल्स में भी समझाता आ रहा हूँ कि आपने शिफ्ट प्रेस करके फिर इसको ऊपर नीचे करना है, अदरवाइज ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन आ गया है, तो आप ये देख रहे होंगे कि साइड पे जाना कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह मोमेंट कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट जो मैंने चीज़ की भी है वो है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो के लिए क्या करना है, आपने जस्ट इफेक्ट पे जाना है, स्टाइलाइज पे जाना है और ड्रॉप शेडो पे जाना है, और इसको प्रीव्यू कर देना है कि ड्रॉप शेडो हमारे पास कैसा आ रहा है। ओके है, क्योंकि सेंट्रलाइज है, अदरवाइज आपने एडजस्टमेंट करने के लिए ये सेटिंग्स रखेंगे तो आपके पास सेंटर में आ जाएगी चीज़ ड्रॉप शेडो, और जस्ट ओके कर देना आपने। ये आपके पास ऑप्शन आ गई, अभी सिर्फ ये सेंटर वाला सर्कल आ गया है, सेंटर वाले सर्कल को आपने कैसे यूटिलाइज करना है कि दोबारा मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करके एक सर्कल लगा लेता हूँ। सर्कल लगाने के बाद मैं इसको जो है डार्क कलर दे देता हूँ। डार्क कलर के बाद इसको मैं ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाके सबसे पहले वाला ग्रेडियंट दे देता हूँ, और इसको सबसे पहले मैं जो है डार्क कलर कर देता हूँ जो मैंने उधर से सिलेक्शन किया था। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो गोल है, तो मैंने आपको थोड़ी देर भी पहले बताया था कि वो आपने चीज़ों को रेडियल करने के लिए सेंटर में आ जाएगा, इसका ये जो पॉइंट है, तो इसको जस्ट आपने जाना है इससे और इसको रेडियल कर देना है। ये वाइट कलर नहीं है, ये लिटिल बिट लाइट कलर है उसका, तो सेम टू सेम हम इसी पे जाके सिलेक्शन करेंगे इसकी, और इस पे जाएंगे हम लोग, इस पे जाके हम लोग एस सी बी पे जाएंगे और इसको लाइट कलर कर देंगे। ये देखेंगे ये हमारे पास लाइट कलर आ गया है, तो लिटिल बिट इसको अगर इस तरफ मूवमेंट करना चाहें सिलेक्शन करके तो हम इस तरफ मूवमेंट इसकी कर सकते हैं, लेकिन ये आप देखते होंगे कि ये बिल्कुल जाना ठक करके सर्कल लगा हुआ है, तो इसके लिए उसने चेक किया हुआ है, मैंने चेक किया हुआ है, बस इसको सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन करके आपने इसको जो है ना 90% दे देना है, जब ये 90% हो जाएगा तो ये लिटल बिट ब्लेंड हो जाएगा, आपने जब ग्रेडियंट पे जाना है और इसका ये जो डार्कस पॉइंट है इसको थोड़ा सा क्लोज पे ले आना है। जब आप क्लोज के लेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसको पकड़ के सेम टू सेम इस जगह पे रख लेना है। लिटिल बिट कलर पे चेंज है, लेकिन अगर आप इस तरह एडजस्टमेंट करेंगे इसको इसके कलर की, तो आप आराम से इसको ब्लेंड कर सकेंगे। ये नीचे वाली ट्रे थोड़ी सी बड़ी है तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है ये सिर्फ ये चीज़ कि आपने इसको इस चीज़ को कैसे बनाना है। ओवरऑल मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया और सेंट्रलाइज कर लिया, ये हमारा सेंटर आ गया। नेक्स्ट जो हमें ये चीज़ बनानी है, ये कैसे बनानी है, मैंने जस्ट सिंपली समझाने के लिए मैंने जस्ट एक रेक्टेंगल ले लिया था, और इसको मैंने जाना राउंड कॉर्नर्स की क्लास मैंने आपको समझाई थी, जस्ट इसको राउंड कॉर्नर्स कर दिया और इसके ग्रेडियंट ये वाला वाइट और लिटल बिट ब्लैक कलर का ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया ताकि शेडो थोड़ा सा नजर आए। ओवरऑल सिलेक्शन कर दी मैंने ऊपर वाले की और इसको अप साइड पे कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि यार इसका शेडो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने सेम टू सेम जाना है स्टाइलाइज पे, दो ड्रॉप शेडो दे देना है और ओके कर देना है, तो ये ड्रॉप शेडो आपके पास आ गया, तो ये कप की प्याली और प्लेट बन गई। सेम टू सेम उसी तरह जैसे मैंने कहना अलग से बनाई है। तो ये चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को इजीली कलर आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़, ये सब चीज़ जो मैंने ग्रेडियंट आपको अप्लाई करना सिखाया था,
आप लोग टेक्स्ट के ग्रेडियंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थ्री आसान टेक्निक्स मैंने आपको कुछ दिनों पहले प्ले लिस्ट बताई थी, तो ऊपर उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उधर से आप देख सकते हैं कि आप टेक्स्ट पे एक मज़ेदार टेक्निक के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी टेक्निक आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप जो है ना ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ आर्टिस्टिक मेंटोर। ओके, ये मैंने आर्टिस्टिक मेंटोर लिख दिया। आर्टिस्टिक मेंटोर को इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ग्रेडियंट इफेक्ट कभी अगर अप्लाई करूँ तो मज़ा आए। तो जस्ट क्रिएट आउटलाइन राइट क्लिक करके मुझे क्रिएट आउटलाइन करना है, और जस्ट मैं इसको सिलेक्शन करके कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ कर लूँगा। जस्ट आई ड्रॉपर से आई प्रेस करूँगा और ये क्लिक हो जाएगा। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप जो है ना दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने जस्ट सिलेक्शन करनी है, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना है और आई ड्रॉपर आई प्रेस करना है आई, और जस्ट उसको सेलेक्ट कर देना है, और ये हमारे पास ये ग्रेडियंट आ गया। इस पर भी हम लोग जाना सुनते हैं वही वाला जो ऑब्जेक्ट वाला इफेक्ट था वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऊपर से सेलेक्ट करके इसको नीचे करेंगे तो ये मार्कअप सही हो जाएगा, इधर से इस तरफ करना है तो वो भी मार्कअप सही हो जाएगा। ओके, ये अपनी मर्ज़ी है कि आपने कैसे चीज़ों को यूटिलाइज करना है और मज़ेदार बनाना है अपने आर्टवर्क को। तो ये थी मेरी ग्रेडियंट की क्लास, मुझे उम्मीद है आपको क्लास में मज़ा आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह लाता रहूँगा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जो आदमी उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।